बयान आपका सुर्खियों में है, जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पार्टी में नहीं हूं, पायलट के साथ हूं। देखिए, बार बार मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला था वो सचिन पायलट जी की वजह से मिला था। मैंने बार बार दोहराया, तो सच को सच कहना कोई बगावत है तो मैं बागी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो कांग्रेस पार्टी के हित में है। पहले भी जब हमने मुद्दे उठाए थे माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर, जब हम सब लोग मिले थे, तभी भी यही बात कही थी कि जिन लोगों ने वोट दिया उनका ध्यान रखना चाहिए, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे SC ST हो, या जिन लोगों ने हमारे को वोट दिए थे, उनके जिनके समर्थन से सरकार बनी है, और उन्हीं लोगों से सरकार वापस रिपीट कर सकती है। जो वोट हमारे हैं, जो वोट हमें देते हैं, जो जातियां वोट देती हैं उनको महत्व देंगे, तो हमारी जो सरकार है दोबारा रिपीट हो सकती है। वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि हम जो राजस्थान का टेम्परेचर है, जो राजस्थान की जनता है, राजस्थान के जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बने। तो जो राजस्थान की भावनाएं वो हम बताते हैं, और ये एक पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बताया हमने। कोई ऐसा नहीं है कि हम सार्वजनिक बयान दे रहे हैं। ये पहले जो चीजें हैं चिंदी में, हमें जब वरिष्ठ नेताओं से मिलते हैं, सीनियर नेताओं से मिलते हैं, तभी बताया है, या हमसे कोई फीडबैक लीडर्स हमारे सीनियर लेते हैं उसमें बताया है। जो हमसे पूछा जाता है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, तभी भी हम ये चीज बताते हैं। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं, आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.5 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। ये चीज वही कह रहे हैं बार बार। परिवर्तन नहीं हुआ तो देखिए, वो बार बार में पहले भी जिस चीज का हम परिणाम देख चुके हैं, पहले भी सरकारें हमारी आई किसी स्थिति में गई हैं, वो चीजें पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन मैं पिछली बार की बात नहीं करता हूँ, तो आने वाले समय की बात करता हूँ। पॉजिटिव हम लोग सब हैं, और जो कांग्रेस का वर्कर है, जो लोग हैं, ये समझते हैं कि अभी आने वाले समय अगर युवा हाथों में बागडोर जाती है, तो अभी वापस से हम सत्ता हासिल कर सकते हैं।